खबर शामिल कर रहे हैं हम दीपालपुर से, जहां पर दीपालपुर में फियाज़ हसन चौहान जो सूबाई वजीर हैं, फियाज़ हसन चौहान की दीपालपुर में मीडिया से बातचीत। उन्होंने डेंगू प्राइस कंट्रोल और अस्पताल की सूरत हाल के लिए दीपालपुर का दौरा किया है। दीपालपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, बुनियादी तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान पुजदार साहब की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि जो उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर हस्पतालों की और जितने अवामी अदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए एक नई पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाते हैं कि वो एक एक दिन पूरा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पर विजिट करें और देखें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, क्या क्या डेफिशेंसीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक से भी पूछें और सरकारी एहलकार और सरकारी जो मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं उनसे भी पूछें कि क्या इश्यूज़ हैं। उस सिलसिले में मैं आया हूँ और मैंने रिनाला खुर्द में गया हूँ THQ में, फिर उसके बाद ओकाड़ा शहर गए हैं वहाँ DHQ के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर, फिर उसके अलावा अब मैं यहाँ दीपालपुर में आया हूँ। तो जो जो सूरत हाल देख रहे हैं, कोई कमी कजी है, कोई इक्विपमेंट्स की कमी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोई मुलाजमीन की कमी है, तो वो इंशाल्लाह पूरी सबमिशन बना के वज़ीर आला पंजाब को मैं खुद मुलाकात करके उन्हें दूंगा और वो फिर मुतलका जो मिनिस्टर्स होंगे हेल्थ के, अगर डॉक्टर यासमीन राशिद साहब हैं तो उनको फिर वो हदायत करेंगे कि उन चीज़ों को पूरा किया जाए। सर, आज मियां मोहम्मद वाशी की वो जमानत हो चुकी है, तो क्या हुकूमत की भी बुनियादों पर उन्हें बाहर अगर कोई इलाज मुमकिन हुआ तो जाने देगी या यहाँ पे इलाज होगा? देखिये, बात ये है कि इस वक्त तो वाकईतन सीरियस बीमार है, ठीक है ना, और उसके ऊपर पिछले 4 दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खसूसी हदायत पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान पुजदार साहब ने भी ज़ाती दिलचस्पी लेके वज़ीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा को इंस्ट्रक्शन दी और आपने अपनी आंखों से देखा पिछले 4 दिनों में डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा फिजिकली वहाँ पर मौजूद रहीं सर्विसेज हॉस्पिटल में। उनकी तमाम मेडिकेशन जो हो रही थी उसका उन्होंने जनाब खुद उसको सुपरवाइज़ किया, जिसकी एक्नॉलेजमेंट खुद नवाज शरीफ साहब ने भी की। तो अब अदालत ने आज फैसला दिया है तो हमने उसको अपोज नहीं किया, अदालत के अंदर भी जो है वो किसी हुकूमती वकील ने अपोज नहीं किया, तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, दूसरा सर ये है कि जब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई उससे पहले तमाम पंजाब के अंदर CO हेल्थ तब्दील कर दिए गए, गवर्नमेंट आने के बाद तमाम CO हेल्थ चेंज कर दिए गए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा वाहिद जिला है कि जो वहाँ उस वक्त का CO अब तक है। जब वो CO साहब डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जब उन्होंने चार्ज लिया था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा हेल्थ के हवाले से पहले नंबर पे था, आज 36वें नंबर पे क्यों है? अरे मैं आपको चीज बताऊं, जो मैंने विजिट किया है माशाल्लाह DC साहिबा भी बड़े अच्छे तरीके से जाना यहाँ पे मामला चला रही है, जो मैंने खुद फिजिकली देखा है, मैंने प्राइस कंट्रोल चेक किए हैं प्राइस। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम न्यूज़ आपको बर वक्त मिलती रहें, और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.okaratv.com।